हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन रोमांटिक मूवी जिसका नाम है 20th Century Girl। ये एक रोमांटिक फ्रेंड लव ट्रायंगल पर 1999 की स्टोरी पर बेस है, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पार्सल जो हमारी मेन लीड एक्ट्रेस के घर पे पहुंचता है। उसका फादर वो पार्सल रिसीव करता है और उसके बाद हमें हमारे मेन लीड एक्टर जिसका नाम बोरा है उसे दिखाया जाता है जो ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। और यहाँ पर उनका फादर उसे कॉल करके डांटने लग जाते हैं क्योंकि उस पार्सल के अंदर एक ब्लू फिल्म होती है और उसकी सीडी देखकर वो उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उसे उस पिक्चर को सेंड करते हैं और वो सीडी का पोस्टर देखकर बोरा अपने स्कूल टाइम के ख्यालों में खो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहां वो भागते हुए अपने फ्रेंड योंडू के घर पे आती है। योंडू को अपनी हार्ट सर्जरी करानी होती है लेकिन वो बोरा को कहती है कि वो हार्ट सर्जरी कराने के लिए अमेरिका नहीं जाएगी क्योंकि उसे यहाँ पर एक लड़का पसंद आ गया है। फ्लैशबैक में हमें उस सीन को दिखाया जाता है कि योंडू अपने मदर के शॉप पर होती है। उसकी मदर एक टेलर है और उस दोनों कहीं पर गई हुई थी तो योंडू वहाँ पर अकेली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो लड़का वही यूनिफॉर्म लेना चाह रहा था बट योंडू गिर जाती है। अब वो उसकी हेल्प करता है और वो उसके काफी करीब आ जाता है और वो उसकी यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट को देख लेती है। उस लड़की का नाम ह्यूनजी होता है। अब वो बोरा को बता रही होती है कि वो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर गया है यानी कि वो हमारे स्कूल में ही स्टडी करेगा तो मैं उसके साथ क्लोज होना चाहती हूँ तो इसीलिए मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। इस बात पे बोरा उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो ईमेल बनाती है और उसे कहती है तुम अमेरिका में रहोगी तो इस ईमेल पर मैं तुम्हें सारी जानकारी शेयर कर दूंगी और उसकी हर बात मैं तुम्हें बताऊंगी और इस तरह तुम सर्जरी करवा लोगी। और यहाँ पर हम देखते हैं योंडू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो सर्जरी के लिए अमेरिका चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बोरा को जिसका स्कूल का आज पहला दिन होता है और वो बहुत खुशी से उठती है। अब उसकी फैमिली भी हैरान होती है कि आज उसे क्या हुआ है, ये इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रही है। अब बोरा बहुत मुश्किल से बस को रोकती है और वो समय पे स्कूल पहुंच जाती है। और यहाँ पर बस के अंदर जाने के बाद बस में अचानक से ब्रेक लगती है इससे वो एक लड़के के ऊपर बैठ जाती है। अब वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाती है ड्राइवर से। अब वो लड़का खड़ा होता है और उसे अपनी सीट दे देता है। अब बोरा की नजर उसकी कोट पर लगे नेम प्लेट पर जाती है जो कि ह्यूनजी लिखा होता है और वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसकी जासूसी करने के लिए उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था। अब वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरह बोरा ह्यूनजी पर नजर रखती है। ह्यूनजी की हर छोटी छोटी डिटेल अपनी डायरी पर लिखती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि उसकी हाइट क्या है, उसे खाने पीने में क्या पसंद है, उसके शू के साइज क्या है, उसे खेलने में क्या पसंद है और वो कहाँ पर रहता है। और साथ में वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड है वांग चू जो हर वक्त उसे साथ रहता है। अब योंडो उसे कहती है मुझे उसके बारे में और कुछ भी जानना है लेकिन बोरा कहती है मैं इससे ज्यादा उसे कैसे क्लोज हो सकती हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाहर ही देख रही होती है कि ह्यूनजी को बास्केटबॉल खेलते हुए चोट लग जाती है। और यहाँ पर वो मेडिकल रूम की तरफ जा रहा होता है। अब बोरा अपने टीचर से बहाना कहती है कि उसके पेट में दर्द है और वो मेडिकल रूम में जाती है। वहाँ जाते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। यहाँ वो दोनों एक क्लब ज्वाइन करने की बात कर रहे होते हैं तब बोरा उनकी बातें सुन लेती है कि वो लोग ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने की बात कर रहे होते हैं। तब बोरा मन ही मन सोचती है कि वो भी ब्रॉडकास्टिंग क्लब को ज्वाइन करेगी और इस तरह वो ह्यूनजी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकेगी। बट यहाँ पर ह्यूनजी के बेस्ट फ्रेंड वांग जुन को महसूस होता है कि जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। अब वो पर्दे को हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता लेकिन बोरा बेड के नीचे छुप जाती है। अब बोरा वही क्लब को ज्वाइन करती है, वहाँ वो पार्टिसिपेट करती है लेकिन वो सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ह्यूनजी सिलेक्ट नहीं होता और वो किसी और क्लब को ज्वाइन कर लेता है। इस बात का बोरा को बहुत अफसोस होता है और यहाँ पर उसके साथ इस क्लब में वांगजू ज्वाइन कर लेते हैं और सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बोरा को बहुत अफसोस होता है लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है अगर वो वांगजू के क्लोज होगी तो उसे ह्यूनजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो इसीलिए वांगजू से बात करने की कोशिश करती है बट वांगजू उसे लिफ्ट नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है और एक दिन बोरा नोटिस करती है कि ह्यूनजी के पास पेजर है तो उसे उसका पेजर नंबर लेना होता है और वो फोन बूथ पर देखती है कि वो अपने घर का नंबर भी डायल कर रहा होता है इसीलिए वो लाइन में खड़ी होती है। अब वो थोड़ा सा नंबर तो याद कर लेती है लेकिन लास्ट के दो नंबर रह जाते हैं। अब वो फोन बूथ के थ्रू सारे नंबर को डायल करके देखती है। अब आखिरी क्वाइंस रहता है और वो
आखिरी कॉल कहती है तो एक लड़का कॉल उठाता है तो उससे कहती है क्या ये हिंजी का घर है। तब वो कहता है आप कौन है। तब वो समझती है कि हिंजी है तो वो जल्दी से कहती है मैं सर्वे कर रही हूँ, आपको यस और नो में जवाब देना है। बट यहाँ पर वो लड़का उसे आंसर देने के बाद समझ जाता है कि ये बोरा है और वो उसे पूछता है क्या तुम बोरा हो। और यहाँ पर बोरा को महसूस होता है कि वो हिंजी नहीं था बल्कि उसका फ्रेंड वांगजून था। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि वांगजून से बोरा नजरें नहीं मिला रही होती है और वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। लेकिन वांगजून उसके पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे रात वाली कॉल के बारे में पूछता है, जिस पर बोरा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है उसे हिंजी का नंबर चाहिए था इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। तब वो कहता है ठीक है तुम्हें हिंजी का नंबर चाहिए तो मैं तुम्हें वो नंबर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने फादर के सीडी स्टोर से एक फिल्म लाकर मुझे देनी होगी। तब वो उसकी बात मान जाती है। अब अगले दिन वो अपने फादर के स्टोर से वो फिल्म लेकर आती है, लेकिन क्लास में स्टूडेंट की चेकिंग चल रही होती है और अब बोरा के पास से वो फिल्म निकल जाती है, जहाँ टीचर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे पनिशमेंट करता है। अब फिल्म को लेकर वो बाहर बैठी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं वांगजून हंसते हुए आता है और उससे वो फिल्म लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर बोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है वो उसे नहीं छोड़ेगी। अब वो सारा दिन इसी गुस्से में होती है। अब रात में वो अपने स्टोर पर बैठकर नूडल खा रही होती है, कितने में वांगजून हिंजी को लेकर आ जाता है और उसे बहाने से कहता है कि तुम यहाँ पर अपना पेजर नंबर लिख दो, ये कभी कभी कस्टमर को फ्री में फिल्म भी दे दिया करती है। तब वो अपना पेजर नंबर लिख देता है। इस बात पर बोरा बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड योंडो को वो पेजर नंबर सेंड कर देती है, जिसके थ्रू योंडो वहाँ अमेरिका से हिंजून से मैसेज से बात कर लिया करती है। और अब यहाँ पर वांगजून और बोरा एक ही ब्रॉडकास्टिंग टीम में होते हैं तो उन्हें इकट्ठे समय बिताने का ज्यादा वक्त मिल जाता है और इस वक्त का फायदा उठाकर बोरा उसे सारी इन्फॉर्मेशन हिंजी की ले लेती है। अब यहाँ पर वांगजून बोरा को वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड करना सिखा रहा होता है और उसके काफी क्लोज आ जाता है, जहाँ पर बोरा हेजिटेट करती है और वो कहती है वो खुद ही ये सब कर लेगी। वो कहता है ठीक है, प्रेजेंटेशन भी देना है तो उसे सही से बनाना। अब वो चला जाता है तो यहाँ पर बोरा हिंजी की वीडियो बनाने लग जाती है और ये बात वांगजून नोटिस कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आकर बताता है कि बाहर गैंगस्टर टीम की लड़ाई हो रही है एक लड़की के साथ। अब सभी उसे देखने जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिंजी की लड़ाई हो रही होती है गैंगस्टर टीम के मेंबर के साथ। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ने लगता है लड़ने के लिए तो वांगजून उसके साथ होता है। तो यहाँ पर वो गैंगस्टर टीम मेंबर उसे पीछे से बॉटल से हिट करने वाला होता है कि बोरा उन्हें इंटरप्ट करके उसकी जान बचाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भागती है। गैंगस्टर टीम मेंबर उसके पीछे भाग रहे होते हैं पर पुलिस वालों को देखकर वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें डांटती है बट वो दोनों नोटिस करते हैं कि बोरा को चोट लगी है और वो बोरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नेक्स्ट डे बोरा स्कूल आती है तो बोरा की हरकत से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर कहीं पर लेकर जाता है। वो बोरा को जाकर बताता है कि उसे बहुत अच्छा लगा, उसने उसकी कल जान बचाई और इसीलिए वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। इस बात पे बोरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये सब वो अपने फ्रेंड के लिए कर रही होती है और वो उसे साफ साफ जवाब दे देती है। अब वो वापस बाइक पर जाने लगते हैं पर बाइक खराब हो जाती है। अब वो ट्रक पर बैठकर बाइक को ले जाते हैं तो बोरा के पेट से आवाज आती है। यहाँ हिंजू उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर कराऊंगा। अब वो उसे डिनर के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वांजू होता है जो कि वेटर बना होता है, वो उन्हें फूड सर्व करता है। तो यहाँ पर हिंजी दोबारा से उसे डेट पर जाने को कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इस बात से बोरा फौरन इनकार करती है और उसे साफ कहने लग जाती है कि वो उसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती। वो उसे ये कहने लग जाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो बियर्ड है, लेकिन वो फिर भी कहता है उसे ये सब मंजूर है। अब वो बहुत परेशान होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये सब अपने फ्रेंड के लिए कर रही होती है। अब उसे बाहर भागता हुआ वांजू देख लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि भागते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी स्पोर्ट स्टिक भी लेकर नहीं आई और उसकी बैंडेज भी खुल जाती है। वो उसे बैठ कर ठीक कर रही होती है कि यहाँ पर वांजू हीरोइक एंट्री देता है और बैठ के उसके बैंडेज को ठीक करता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें हिंजी अच्छा नहीं लगता, मैं तो समझता था तुम्हें वो पसंद है। वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बस उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था। यहाँ पर वांजू हैरान होकर उससे पूछता है कि इंटरेस्ट और अच्छा लगने में क्या फर्क है, बट वो उसे रिप्लाई नहीं करती और यहाँ पर वांजू उसे बहुत अच्छा ट्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और बोरा को फील होता है कि वो वांजू को असल में पसंद करने लग गई है। ये बात वो अपनी फ्रेंड को ईमेल के थ्रू मैसेज करके बताती है कि उसे भी कुछ कुछ होने लगा है, उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है।
हैं, यानी कि उसे रियलाइज हो जाता है कि वांजू को वो पसंद करने लग गई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टीम किसी स्टडी टूर पे गई हुई होती है और वहाँ पर बोरा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो वहाँ पर अपने पेरेंट के लिए एक्स्ट्रा की बॉटल खरीद रही होती है कि यहाँ पर उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं। वो अपनी फ्रेंड से मांगती है बट यहाँ ह्योनजी उसकी हेल्प करता है तो उसे ह्योनजी पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है तुम इस तरह मेरे साथ इंटरेक्ट मत करो, सब लोग गलत समझेंगे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। बट वो उसे कहने लग जाता है कि वो उसे पसंद करता है। इस बात से बोरा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तुम दोबारा मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, तुम लास्ट पर्सन भी होगे तो भी मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि वो इस तरह से कहते हुए वांजू उसे देख रहा होता है। दोस्तों इसके आगे का वीडियो मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।